ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग जो है कक्षा 11 में पढ़ेंगे। कक्षा 11 में हम लोग रसायन विज्ञान का अध्ययन करेंगे। कुछ बातों के बारे में हम लोग जो है पहले पढ़ चुके हैं, उसमें आज हम लोग व्युत्पन्न मात्रक से शुरू करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़े थे मूल मात्रक के बारे में, यानी भी मात्रक जो स्वयं पर निर्भर करते हैं, या भी भौतिक राशियां जो स्वयं पर निर्भर करते हैं, मूल राशियां कहलाती हैं, और उनके जो मात्रक होते हैं वे जो है मूल मात्रक कहलाते हैं। सात मूल राशियां होती हैं, दो पूरक राशियां होती हैं। तो सात मूल राशियों के जो है सात मूल मात्रक भी होते हैं, और दो पूरक जो राशियां उनके जो है दो पूरक मात्रक भी हैं। अब उसी के अगले स्टेप में हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक, यानी वे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त करते हैं, यानी जिनको बनाया जाता है, यानी वे मात्रक जिनको मूल मात्रकों की सहायता से हम क्या करते हैं, बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक में आप किसी को भी ले लें, ये सात जो मूल राशियां उनको छोड़ें और किसी को भी ले लें। जैसे हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल जो क्षेत्रफल के बराबर होता है, तो इसका मतलब यह है कि क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है। अर्थात हम कहेंगे कि क्षेत्रफल जब व्युत्पन्न राशि है तो इसके जो मात्रक होंगे वे व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। तो अगर हम मान लें कि क्षेत्रफल बराबर, जैसे यहाँ देखें क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई भी मूल राशि है, चौड़ाई भी मूल राशि है, तो इनके मात्रक क्या होंगे, इसका मात्रक मीटर होता है। लंबाई का भी मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है। तो इन दोनों के मात्रकों का जो गुणनफल होगा वो मीटर स्क्वायर होगा। तो मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है, क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है। तो मीटर स्क्वायर है क्या, या एक व्युत्पन्न मात्रक है, या क्या है, एक व्युत्पन्न मात्रक काला है। अब थोड़ा सा देखेंगे अगले स्टेप में, अगर हम बात करें तो आता है परिवर्तन कारक। परिवर्तनी कारक का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। गणना जब हम किसी भी भौतिक राशि को जोड़ते घटाते गुणा भाग कुछ भी करते हैं, कोई भी क्रिया कोई भी संक्रिया करते हैं, तो उस संक्रिया में सभी भौतिक राशियों को आप देखें कि वे समान मात्रक में होने चाहिए। यानी यदि सभी ने मीटर प्रति सेकंड में है तो सभी राशियां मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। ये नहीं कि एक मीटर प्रति सेकंड में है दूसरी किलोमीटर प्रति सेकंड में है। तो इनको अगर समान इकाइयों में ना हो तो उनको परिवर्तित करें, और परिवर्तित करके ही तब संक्रिया आरंभ करें, नहीं तो जो आपके परिणाम होंगे वे गलत आएंगे। तो यहां पर हमने लिखा है परिवर्तनी कारक क्या होता है। गणना करते समय सभी राशियों की इकाइयां समान होनी चाहिए, यदि प्रश्न में सभी राशियों की इकाइयां भिन्न भिन्न हो तो उन्हें समान प्रणाली की जो है इकाइयों में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। इसके लिए दी गई राशियों को जो है एक कारक से गुणा किया जाता है। एक कारक से जब गुणा करते हैं जिसे परिवर्तनी कारक कहते हैं। परिवर्तनी कारकों में अंश और हर दोनों उपस्थित होते हैं जो समतुल्य राशियों को प्रदर्शित करते हैं। यानी आवश्यक राशि तो दी गई राशि और गुणे क्या, परिवर्तनी कारक। ये रहा आपका परिवर्तनी कारक के बारे में। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसी में हम आपको बताएंगे परिवर्तनी कारक। जैसे आपका जो है एक चाल है, चाल दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। इसको जो है ये दे दिया, ये प्रथम चाल है, और यहां पर दिया है द्वितीय चाल। द्वितीय चाल जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, 100 मीटर प्रति सेकेंड है। इन दोनों को ऐड करना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मीटर प्रति सेकेंड में है, तो जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इनकी इकाइयां जो क्या है, भिन्न भिन्न है। तो इनकी इकाइयों को परिवर्तित करना, या तो इनको हम मीटर प्रति सेकेंड में बदले या तो इनको हम किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम इनको मीटर प्रति सेकेंड में अगर गुणा करें तो ये परिवर्तित करें तो ये 54 हो जाएगा, और गुणे
किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए एक परिवर्तनीय कारक की आवश्यकता होती है। वह परिवर्तनीय कारक क्या है? 5/18। अब ये किसे बदल गया? मीटर प्रति सेकंड में। तो 18 × 34 और 3×5 क्या आ जाएगा? 15 मीटर प्रति क्या हो गया? सेकंड। अब योगफल क्या होगा? योगफल तो ये देखेंगे 15 मीटर प्रति सेकंड ये हो गया और धन 100 मीटर प्रति सेकंड ये हो गया, तो बराबर 100 क्या हो गया? 15 मीटर प्रति सेकंड। ये जो है दोनों चालों का क्या हो गया? योगफल। इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो आपका जो उत्तर होगा, जो प्रश्न का जो आंसर होगा वह सही आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपके प्रश्न का जो परिणाम आएगा वह गलत होगा। ध्यान से देखें, अब जो लिखा है परिवर्तनीय कारकों का क्या महत्व है, क्यों ऐसा किया जाता है, तो ध्यान से देखें, गणना करते समय सही कारकों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो अशुद्ध परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि सही कारकों का प्रयोग न करें, इन परिवर्तनीय जो कारक हैं यहां पर अगर सही आप अंक नहीं रखेंगे तो जो परिणाम प्राप्त होगा वह क्या होगा? गलत होगा। अब थोड़ा सा देखेंगे वैज्ञानिक संकेत पद्धति या वैज्ञानिक संकेतन क्या है। यहां पर हम परिभाषा लिखे हैं, इस परिभाषा को आप ध्यान से देखें। वैज्ञानिक संकेतन क्या है? किसी भी संख्या में दशमलव के स्थान को परिवर्तित करके संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित किया जा सकता है। वैज्ञानिक संकेतन में प्राप्त नई संख्या एक या एक से अधिक तथा दस से क्या हो सकती है? कम होती है। एक से अधिक होगी या एक होगी या दस से क्या होगी? कम होगी। अब यहां पर देखेंगे कि ये वैज्ञानिक संकेत पद्धति के लिए दो हम जो है नियम बनाए हैं, दो नियम आपके हैं, उनको आप ध्यान से देखें। यदि किसी भी संख्या को जो है हमें वैज्ञानिक संकेत पद्धति में बदलना है तो दशमलव वाले यानी दशमलव बिंदु को हम या तो बाईं ओर ले जाएंगे या तो दाहिनी ओर ले आएंगे, दो प्रक्रियाएं होंगी। या तो दशमलव जो बिंदु आपका है वह दशमलव बिंदु अपने स्थान से या तो दाईं ओर जाएगा या तो वह बाईं ओर जाएगा। अगर ये जो है बाईं ओर आता है तो हम 10^n से गुणा कर देते हैं, अगर वह दाहिनी ओर जाता है यानी दाहिनी ओर जाता है तो 10^-n से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से हम किसी भी राशि को या किसी भी अंक को हम वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आप एक बात देखें, जैसे ये 3, 5, 9, 10, 2, 8, 7 है का वैज्ञानिक संकेत रूप का वैज्ञानिक वैज्ञानिक संकेतन रूप क्या है, तो ध्यान से देखें, इनको हम दशमलव के दशमलव को जो इधर जाएंगे, यहां पर हमने लिखा भी है एक से क्या हो? एक या एक से अधिक हो तथा दस से क्या हो? कम हो। तो ये वाला अंक देखिए एक से अधिक है, दस से कम भी है, तो ये अंक यहां पर आएगा। तो ये लिखेंगे 3.5927 लिख सकते हैं, गुणे 10^ क्या लिखेंगे? अब जितने अंक इधर जाएगा उतनी धातु पर हो जाएगी, तो 10^ कितना? 2, क्योंकि ये जो है आपका किधर गया है? ये जो आपका बाईं ओर आया है, बाईं ओर आया है, और ये क्या है? दाईं ओर। ये अगर बाईं ओर आया है तो 10^n से गुणा करिएगा, अगर दाईं ओर जाता है तो 10^-n से क्या करेंगे? जैसे 10.00079 है, अब देखिएगा इसके पहले ये 0 है, तो अब ये ध्यान से देखेंगे दशमलव को इधर ले जाएंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4। तो अब इसका वैज्ञानिक संकेत पद्धति क्या है, साइंटिफिक नंबर क्या बनाएंगे इसका, तो ये जो आपका हो जाएगा 7.95 और ये 4 अंक हमने लिखना है तो 10^ क्या लिखेंगे? -4। यानी यह भौतिक राशि आपकी जो है वैज्ञानिक संकेत पद्धति में क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। ठीक, ध्यान से देखें कक्षा 11 में जो है आप सार्थक पढ़ेंगे।
अगले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में, इसके पहले भी। अब हम लोग जो है सार्थक अंक के बारे में पढ़ेंगे, सार्थक अंक क्या होते हैं। तो ध्यान से देखेंगे किसी संख्या में उपस्थित अंकों की कुल जो संख्या होती है, या जो कुल संख्या किसी भी मापन में हमने जो है जितने अंक प्राप्त किए हैं, तो पूर्णतः उसके सार्थक अंक मान तक व्यक्त कर सकते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। लिखा है किसी संख्या में उपस्थित अंकों की कुल संख्या उसकी सार्थक संख्या कहलाती या सार्थक अंक कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम परिभाषा देखें तो लिखा यहाँ पर है किसी संख्या के वे अंक जिनके द्वारा किसी भौतिक राशि को पूर्णतः उसके यथार्थ मान तक व्यक्त कर सकते हैं, और यथार्थ मान व्यक्त करने के लिए जितने भी अंक हमें प्राप्त होंगे उन अंकों की संख्या जो उसका क्या कहलाएगी, सार्थक अंक कहलाएगी। अब जो सार्थक अंकों को निर्धारित करने के कुछ नियम दिए हैं, उन नियमों को आप ध्यान से देखें। ये जो क्रम से 1, 2, 3, 4, 5, 6 नियम है, इन नियमों को आप ध्यान से पढ़ें और उसके बाद हम बता भी रहे आपको। सार्थक अंक जैसे हमें निर्धारित करना है तो पहला नियम ये कहता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। अशून्य का मतलब कि उसमें कोई शून्य न हो। 3, 4, 5, 6 जैसे मान लीजिए ये हमने 1536 लिखा है, इसमें कोई शून्य नहीं है, अर्थात सभी क्या है, अशून्य अंक है। तो कह रहा है कि सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं, इसमें कोई शून्य नहीं है, अर्थात इसमें सभी लिए गए अंक क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। इसमें कितने सार्थक अंक है, 1, 2, 3, 4, इसमें 4 सार्थक अंक होंगे। दूसरी बात, दूसरा नियम क्या है, दो अशून्य अंकों के बीच उपस्थित सभी शून्य, दो अशून्य अंक हो और उनके बीच जितने भी शून्य आएंगे वे सभी क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक कहलाएंगे। यहां पर जैसे देखें 20,008 लिखा है, तो 20,008 के बीच भी शून्य आए हैं तो ये भी सार्थक अंक कहलाएंगे। इसमें कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, यानी इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 5। यदि शून्य किसी अंक व दशमलव के मध्य स्थित हो, शून्य जो है किसी दशमलव और अशून्य अंक के मध्य स्थित, तो वे सभी जो है सार्थक अंक नहीं होंगे, वे सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। लिखा है यदि शून्य किसी अंक व दशमलव के मध्य स्थित हो या दशमलव के बाईं ओर स्थित हो तो वे सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे ये देखिए 10.00085 में देखिए ये तीनों शून्य जो होंगे वे सार्थक अंक नहीं होंगे। यहाँ पर लिखा गया है शून्य या किसी अंक व दशमलव के बीच, शून्य देखिए ये दशमलव और अशून्य अंक के बीच आए सभी जो शून्य है, अगर इसकी ओर बाई ओर शून्य है और इधर आपका तीन शून्य इधर है और ये अंक है, तो अब देखिए ये जो आपका क्या है, ये कह रहा है कि यदि शून्य किसी अंक व दशमलव के मध्य, किसी अंक व दशमलव के मध्य जो आएंगे आपके क्या शून्य, वे सार्थक अंक नहीं होते हैं, अर्थात इन तीनों शून्य को छोड़कर के लिए 1, 2, 3 इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, पहले बच्चों तो 3 सार्थक अंक होंगे। चौथा नियम है दशमलव के बाद अशून्य अंक के दाएं ओर, दशमलव के बाद अशून्य अंक के बाएं ओर, सॉरी दाएं ओर अगर जितने भी शून्य होंगे वे सभी क्या कहलाएंगे, वे सभी जो सार्थक अंक कहलाएंगे। जैसे ध्यान से देखें 10.00085000 में देखिए ये शून्य सार्थक अंक नहीं है इसके नियम से तीसरे से, लेकिन चौथे नियम में कह रहा है कि अशून्य अंक के बाद आए सभी शून्य जो होंगे वे क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक कहलाएंगे, अर्थात इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, 5। अब कह रहा है कि सभी शून्य जो अशून्य अंक के दाएं ओर स्थित होते हैं सार्थक अंक हो भी सकते हैं और नहीं। जैसे ये 3×10^5 दिया है तो 10 के घातों को छोड़िए आप, इनको इनका कोई मतलब ही नहीं, इनको हम सार्थक अंक में नहीं लेंगे, केवल ये दशमलव ये गुणा के रूप में जो 3 अंक है, 3 है इसमें केवल एक ही सार्थक अंक है। ये 3.00 है तो इसमें 2 सार्थक अंक है, 3.00 है तो इसमें कितने सार्थक अंक, 3। थोड़ा सा और देखेंगे अशून्य संख्या के दाइयों वाले सभी शून्य जो है सार्थक अंक बन जाते हैं,
जब वे किसी मापन से आते हैं, यानी किसी माप में अगर जो है वे आ रहे हैं तो उनको हम सार्थक अंक के लिए रख देते हैं। और सार्थक अंकों की जितनी संख्या अधिक होगी अर्थात उतना ही हमारी जो माप है यथार्थ मानी जाती है। अब देखेंगे गणना में सार्थक अंक के बारे में हम बात करते हैं। सभी राशियों को एक मात्रक में बदलें। पहले जैसे हम बात करते हैं सार्थक संख्या में योगफल है, गुणनफल है, व्याकलन है, कोई भी क्रिया संख्या है, उस संख्या को करते समय यह ध्यान दें कि संख्या को पूर्ण करने से पहले हम सभी भौतिक राशियों को देखें कि वे सभी भौतिक राशियां जो है किसमें व्यक्त हो, समान इकाइयों में, यानी उनके मात्रक किसमें हो, समान, यानी वे समान मात्रक वाली राशियां हैं तो उनको जो जोड़ा जा सकता है उनमें गुणा भाग जो भी संक्रिया करनी है हम कर सकते हैं। यदि उनके जो है यदि उनके इकाइयां अगर सेम नहीं है या समान नहीं है तो उनको न तो हम जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं, यानी उन पर कोई क्रियाकलाप यानी उन पर कोई संक्रिया नहीं की जा सकती है। तो ध्यान दे पाले कि उनकी सब इकाइयां जो सेम हो यानी समान हो तब उस पर जो हम सभी संक्रियाओं को पूर्ण करेंगे। जैसे आप ध्यान से देखें जैसे हमें जो है कई राशियां दी है उन राशियों को हमें ऐड करना है जोड़ना है, तो ध्यान से देखें जैसे हमें जो है ये जो है 32.5 सेंटीमीटर यहां पर दिया है, यहां पर जो है 23 मीटर दिया है, ये सेंटीमीटर दिया है, ये मीटर है, ठीक है, ये सेंटीमीटर ये मीटर है, ये 3.25 किलोमीटर है या 3.2 है किमी, तो इनको हमें जोड़ करना है, जोड़ना है, ये क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने से पहले आप ध्यान से देखिए कि इनको देखने पहले तो ये आपका जो है मीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये किलोमीटर में, तो इनको हम क्या करें कि इनके पैमाने इनके जो मात्रक है इनको परिवर्तित करके समान मात्रक में परिवर्तित करें। तो ये आपकी जो होगी वह जो है 32.5 मीटर की जाएगी, ये जो है 23.65 मीटर हो जाएगी, और ये जो है आप जो है 100 से 1000 से गुणा करेंगे 3.2, ये 3.32 और ये 0, ये क्या हो गई, मीटर हो गई। तो ध्यान से देखेंगे इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या 3 है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या जो 4 है, इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 4 है, और सभी के मात्रक सेम हो गए। अब इनका योगफल करें, योगफल तो आप योगफल ये पंक्ति में भी कर सकते हैं, अष्टभुज में भी कर सकते हैं, तो ये 32.5 लिख दें, ये 23.65 लिख दें, ये जो है 3320.00 लिखते कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 हो गया, 6 5 11 3 2 5 1 6 4 3 7 हो गया, और ये 3 और ये 3, ये 10 लगा देंगे, ये मीटर में। तो ध्यान से देखें इसमें सार्थक अंकों की संख्या में इनके मानकों में लिखना है, तो सार्थक अंक में योग पर सार्थक अंक में योग, तो सार्थक अंक में योग क्या होगा, सबसे कम न्यूनतम सार्थक अंक 3 है, इसमें 3 ही अंक होने चाहिए। तो अगर ये संख्या 5 से अधिक है तो आगे वाली संख्या में एक जोड़ देते हैं, तो 3 3 और क्या हो जाएगा, 8, ठीक है, और ये 0, 3 3 8 और ये क्या हो गया, 0, मीटर लिख देंगे, या इनको हम जो है किलोमीटर में बदल दें, थोड़ा सा देखेंगे किलोमीटर में अगर बदल दें 1000 से भाग देंगे तो ये 3 3 7 6 1 5 ये क्या हो गया, ये जो है आप लिख सकते हैं 3 3 7 6 1 5 ये 10 हो जाएगा,
और इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है, तो इसी नाम व्यक्त कर ले। तो ये हो जाएगा 3.37 और 6, तो 6 कौन जो है शून्य हटा दे इसको, और यहां पर क्या लिख दे, 8 लिख दे और किलोमीटर। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि नहीं, किसी भी भौतिक राशि को उसका योगफल हम ज्ञात करके उसको सार्थक अंक में व्यक्त कर सकते हैं। सेम प्रक्रिया गुणा में भी वही होती है, हम जो है कि नहीं किसी भी भौतिक राशि का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो यह देखते हैं कि सबसे कम सार्थक अंक जिसमें हो, तो जो परिणाम हमारा होता है उतने ही सार्थक अंकों में होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं सन्निकट, सन्निकट वैसे तो हम इसमें कुछ नियम है, उस नियमों को पहले आप ध्यान से देखें। यदि पूर्णता की जाने वाली संख्या जो 5 से छोटी हो या उस अंक को हटा देती है, ध्यान से देखेंगे, अगर हमें इसे सन्निकट करना है तो सन्निकट करने के लिए हम करते क्या है, पहले सन्निकटन हमें करना है, तो पहला आपका नियम है, पहले नियम यह कहता है कि जैसे 7.82 है और हमें इसका सन्निकट करना है 2 का, तो अगर यह संख्या 5 से छोटी है तो यह पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाती है, तो इसका जो सन्निकट अगर करें तो 7 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि यह 7.89 रहता तो सन्निकट करने के परिणाम पर या 5 हो या 5 से बराबर, 5 या 5 से बड़ी, तो उससे आगे वाली संख्या में एक जोड़ देते या 7 क्या हो जाएगा, 9। ये आपका पहला नियम है। दूसरा नियम कहता है यदि पूर्ण की जाने वाली संख्या 5 से बड़ी हो तो उसके पहले वाली संख्या में 1 बढ़ा दी जाती है, तो ये आपका पहला नियम, ये दूसरा नियम हो गया, ठीक। अब तीसरे नियम को बात करते हैं, यदि पूर्णांकित की जाने वाली संख्या 5 के साथ शून्य के अतिरिक्त जो है कोई और संख्या है तो 5 से पहले वाली संख्या में 1 बढ़ा दिया जाता है, शून्य के अतिरिक्त कोई और संख्या है, शून्य के अतिरिक्त क्या है, कोई और संख्या है, जैसे मान लीजिए ये 3.351 है, देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि शून्य पूर्णांकित की जाने वाली संख्या में जो है 5 के साथ शून्य के अतिरिक्त कोई और संख्या है तो हम क्या करते हैं, उसमें जो है हम 1 बढ़ा देते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर ये जो है तीसरा नियम है और यही चौथा नियम लिखेंगे, जैसे 3.350 है तो ध्यान से देखिए, अगर ये 5 के बाद 1 है तो इसमें हम 1 जोड़ेंगे यानी कि इसका सन्निकट हो जाएगा 3.4 हो जाएगा, यहां पर 1 जोड़ा जा रहा है, लेकिन अगर 5 के बाद वाला जो अंक है अगर शून्य है इसका मान 3.3 ही रहेगा। पांचवा नियम है यदि पूर्णांकित की जाने वाली संख्या के बाद शून्य और 5 से पहले वाली संख्या विषम हो तो पहले वाली संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है, करें 5 के बाद शून्य हो और 5 से पहले वाली संख्या क्या हो, विषम हो, ये देखें विषम है तब तो 1 करें, कि यहां पर देखें ये जो है अगर सम है, सॉरी थोड़ा सा ध्यान से देखें, चलो चलो देखिएगा सन्निकट का जो है रिपीट, ये जो है 5 नियम है, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, इन पांचों नियमों के बारे में हम एक बार और फिर से बात करते हैं। ये जैसे मान लीजिए 7.82 है, तो यदि हमें इस संख्या को रिपीट करना है यानी इसका जो सन्निकट करना है, तो सन्निकट करने के लिए हम कहेंगे क्या कि अगर ये संख्या 5 से छोटी है, अगर ये संख्या 5 से क्या है छोटी है, तो इसको पूर्ण रूप से वहां से हम हटा देंगे, अर्थात इसका सन्निकट मान क्या होगा, 7.8 होगा। अगर ये 5 से बड़ी होती तो आगे वाली संख्या में हम एक क्या करते, जोड़ देते। जैसे अगर देखें दूसरा नियम, ये 7.89 है तो ये संख्या 9 जो है क्या है, ये जो है आपका 5 से बड़ी है, ये 5 भी रहता तो हम ऐसा ही करते,
लेकिन ये जो है क्या है, नौ है, इन पांच से बड़ी है, तो आगे वाली संख्या में एक ऐड करेंगे तो 7.9 इसका क्या होगा, सन्निकट मान। दूसरा या तीसरा नियम हम बात करते हैं, तीसरे नियम में हम बात करते हैं कि एक संख्या ये दी है, अगर ये 3.351 है, ये संख्या पांच को हम सन्निकट करना चाहते हैं, तो पांच वाला अंक जो ये पांच है इसके बाद वाला जो अंक है अगर वह अशून्य है, यानी शून्य नहीं है और आगे वाली संख्या कोई भी है, तो हम उसमें क्या करेंगे, एक जो है जोड़ देते हैं। लेकिन बाद वाला अंक अगर शून्य है, चौथे नियम के थ्रू हम बता रहे हैं, ये अगर बाद वाला अंक क्या है, शून्य है, और आगे वाली संख्या अगर सम है, तो हम जैसा का तैसा, यानी ये पांच को हम शून्य मान देंगे, खत्म कर देंगे, ये पांच को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अगर ये संख्या विषम होगी तो छठ पांचवे नियम के थ्रू हम क्या करेंगे, आगे वाली संख्या में एक जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सन्निकट करते हैं। थोड़ा सा और देखेंगे आगे इसी में, इसी लेसन में आपको जो चेक पॉइंट दिया है 1.1, 1.2 और 1.3 आपको जो है कल भेज दिया जाएगा, और आप जो उसको भलीभांति करके जो है आगे आपको बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं। और अगले वीडियो में हम लोग जो है रासायनिक संयोग के नियमों का अध्ययन करेंगे, जैसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम है, स्थिर अनुपात के नियम है, गुणित अनुपात के नियम है, इन सभी का अध्ययन करेंगे। लेकिन आप जो है कम से कम चेक पॉइंट जो है करके आपको बताएं कि आपको जो है सभी प्रश्न आ गए कि नहीं। धन्यवाद।